नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल सिंह शेखावत आपका आप ही के YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं जो भी आपको स्टॉक्स के लेवल दे रहा हूं या आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो केवल मेरा एजुकेशन पर्पस से दे रहा हूं। आपको उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना हो या आप उसमें ट्रेडिंग अगर करते हैं तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग कीजिएगा। दोस्तों, हर वीक की तरह इस वीक भी कितने भी स्टॉक लीजिए, हर वीक हर स्टॉक्स 40%, 30%, 70% तक के प्रॉफिट दे रहे हैं। ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये आप भी कर सकते हैं। मैं केवल और केवल आपको ये गाइड करना चाहता हूं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, केवल आपका डेडिकेशन चाहिए, सीखने का जज्बा चाहिए और आप उसमें प्रैक्टिस करें, उस अकॉर्डिंग आप अपना ये पैसा बना सकते हैं। हर वीक मैं कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ, आज भी कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा, उनको नोट डाउन कीजिएगा, उन पे लर्निंग कीजिएगा और उसके बाद उस पे अर्निंग भी कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं, अभी मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ वीक्स को आप फॉलो करके देखिए कि वो लेवल्स किस तरह से वर्क करते हैं और ये पैसा किस तरह से बनता है। उसका केवल एक रीजन है कि ये है मल्टी कन्फर्मेशन का पावर। और कहीं ना कहीं अगर आप पैसा बना रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है, पर उसको हम 10x लेवल तक कैसे लेके जाएं? इसलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और आपका नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, देखते हैं पहले के कुछ स्टॉक्स जो कैसा परफॉर्मेंस रहा और इस वीक के भी हम देखते हैं। लास्ट वीक हमने आपके साथ शेयर किए निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी का हमारा अलर्ट पॉइंट था 17670, हाई किया फ्रेंड्स इसने 17992। टोटल पॉइंट्स की मैं अगर बात करूं इस वीक तो 322 पॉइंट्स का निफ्टी ने गेन दिया है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट था 39115 और दोस्तों इसने लो कितना किया, 39119। ये उसी पॉइंट से मूव क्यों करता है? यही मल्टी कंफर्मेशन का पावर है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है इस चीज को सीखिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्योरीज हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हाई किया अगेन, देखिए फोकस कीजिए, जो हमने रेसिस्टेंस पॉइंट दिया 39760 का, एग्जैक्ट वही पॉइंट तक जाता है और निफ्टी हाई करता है और फर्दर वापस से डाउन साइड देता है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं अलर्ट पॉइंट देता हूं उसके साथ में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी मार्क करके रखिए, तभी उसमें बड़ा पैसा बन पाएगा। और सारे लेवल्स काम करते हैं और ये जब भी ये लेवल्स आए और इन पे फॉर्मेशन बने तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं। एक स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया था, अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेज का हमारा अलर्ट पॉइंट था 1910। अगेन इसमें हमने आपको पिरामिडिंग करवाया 2425 से और इस वीक इसने हाई किया है 3259। अगर मैं टोटल पॉइंट्स की बात करूं तो ये टोटल पॉइंट्स है 1349 पॉइंट्स और परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो ये 770% अप मूव किया है इस स्टॉक ने। जी हाँ दोस्तों, कुछ महीनों में ही ये परसेंटेज मिलता है आपको। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हर वीक आप देखिए जो पोजीशन कैरी कर रहे हैं, आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, हर तरह से पैसा बनता है। अगर आपको टेक्निकल का प्रॉपर नॉलेज है, आप मल्टी कन्फर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स लोग कहते हैं कि हमें स्टॉक सिलेक्शन नहीं मिलता है, किस स्टॉक्स में एंट्री एग्जिट करें वो नहीं मिल पा रहा है। और अगर आपने ये मल्टी कन्फर्मेशन का पावर सीख लिया है तो इतने ट्रेड्स आपके पास आएंगे कि आप उनको कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा एक कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में हमारा अलर्ट पॉइंट था 682 और अगेन हमने पिरामिडिंग करवाया 815 से, इस वीक हाई किया 991 का। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो 45% का अप मूव कर चुका है ये स्टॉक और अभी भी कैरी चल रहा है। अडानी पोर्ट अलर्ट पॉइंट बिल्कुल बॉटम बाइंग करवाया आपको 653 से, इस वीक इसने हाई किया 884 का। टोटल पॉइंट्स की मैं अगर बात करूं तो 231 पॉइंट्स का मूव कर चुका है, 35 पॉइंट्स का गेन।
ये सब मल्टी कंफर्मेशन का पावर है, ये टेक्निकल पावर है, और उस टेक्निकल के साथ में जो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा काम करता है वो करता है आपका डिसिप्लिन और पॉजिटिव माइंडसेट और फंड मैनेजमेंट। किस तरह से आप अपने फंड को प्रॉपर वे में यूज कर रहे हैं। अरीशर मोटर, हमारा अलर्ट पॉइंट 2995-23030, ये एक जोन था जहां से हमने इसको बाइंग किया। इस वीक इसने हाई किया 3460। टोटल पॉइंट्स की मैं अगर बात करूं तो 430 पॉइंट्स का मूव किया है, 14% का मूव इस स्टॉक ने किया है अब तक। नेक्स्ट स्टॉक TWL, हमारा अलर्ट पॉइंट था 125, इस वीक हाई किया 149। टोटल परसेंटेज की मैं बात करूं तो लगभग 19% का अप मूव कर चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा, अलर्ट पॉइंट 108, इस वीक हाई किया 127। टोटल परसेंटेज की बात करूं तो 17% का अप मूव ये स्टॉक्स दे चुका है। फ्रेंड्स, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लर्निंग के पर्पज से दो स्टॉक मैंने इस वीक रिकमेंड किए थे। पहला स्टॉक था ट्रेंड, ये जो भी स्टडी कर रहे हैं केवल लर्निंग के साथ में अर्निंग भी, और जिन लोगों को भी ये कंफर्मेशन पता था उन लोगों ने ट्रेड अगर लिया है और या लिया होगा जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो 13% का आप मूव दिया इस स्टॉक ने। और नेक्स्ट स्टॉक एक हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंड किया था, होम फर्स्ट फाइनेंस, इसने भी बहुत शानदार मूव किया बाइंग में भी और सेलिंग में भी। और ये कैसे समझ पाएंगे आप, फॉर्मेशन देख के समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं केवल लेवल से नहीं होगा, वो फॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए तभी ये लेवल्स प्रॉपर वे में काम करेंगे। और मेरा अगर फिर भी आपको कोई क्योरीज और डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9828080757। फ्रेंड्स, इस वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स, इनके मैं कुछ लेवल्स लेके आया हूं, डायरी में नोट करके रखिएगा। अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग इनको चार्ट्स पे प्लॉट कीजिए, क्या ये लेवल्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगर आप नए मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पहले इन लेवल्स को वॉच कीजिए, क्या ये लेवल्स प्रॉपर काम करते हैं, और अगर ये करते हैं आपको फॉर्मेशन समझ में आता है तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक हमारा होगा अडानी ग्रीन एनर्जी, अलर्ट पॉइंट होगा 2385, सपोर्ट पॉइंट होगा 2350, 2190, 1890, रेसिस्टेंस पॉइंट पहला एक जोन है 2507 से लेके 2515 का, नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा 2664, 2883, नेक्स्ट स्टॉक होगा BASF इंडिया, अलर्ट पॉइंट होगा 2390 थ्री सॉरी 3290-3350, ये एक जोन है, इसको आप वॉच कीजिएगा। जब तक कि इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है पोजीशन मत बनाइएगा। सपोर्ट पॉइंट होगा 3225-3140-3093, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 3420-3545-3587। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो ने पहले परफॉर्मेंस दिया है, अगेन उन्हीं लेवल्स के पास है। एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे, जो भी मैं स्टॉक्स देता हूं और वो स्टॉक्स वापस उन्हीं लेवल्स के पास आते हैं तो फॉर्मेशन देख के आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं। ये मल्टी कन्फर्मेशन के लेवल्स हैं, ये बार बार चेंज नहीं होते हैं। अलर्ट पॉइंट रहेगा बजाज ऑटो के लिए 4005, 4050, ये एक जोन है, इसको फोकस कीजिएगा, देन उस पे फॉर्मेशन के बाद ही इसमें ट्रेड लीजिएगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 3966-3810-3730, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 4146-4193-4258। कोल इंडिया, कोल इंडिया में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 217.50, सपोर्ट पॉइंट होंगे 211.50-208-202, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 221-225-236। निफ्टी, फ्रेंड्स निफ्टी का इस वीक के लिए अलर्ट पॉइंट होगा 17670, सपोर्ट पॉइंट होंगे 17530-17400-17230, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 17790-17870-17955। बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 39115,
ये मल्टी कन्फर्मेशन के पॉइंट्स हैं फ्रेंड, बार बार चेंज नहीं होते हैं। जब तक कोई बड़ा मूव नहीं होता है तब तक ये पॉइंट्स काम करते हैं। सपोर्ट पॉइंट होंगे 387.60, 38425, 38135। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 39760। यही पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने वापस रेजिस्टेंस लेकर के इस वीक लास्ट वीक में और डाउनफॉल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट होगा 40320, 40520। फ्रेंड्स आज का ज्ञान का विचार, जब तक आप दूसरे लोगों पर डिपेंड रहेंगे तब तक आपका जो अचीवमेंट है उसको 100% अचीव नहीं कर पाएंगे। जिस भी फील्ड में जहां भी आप अचीव करना चाहते हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज खुद को लेना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और सक्सेस होइए, यही सक्सेस का मूल मंत्र है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्योरीज हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9828080757 मेरा मोबाइल नंबर है। फ्रेंड्स आपने मेरे लेवल्स को नोट किया, मेरी वीडियोस को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।